जोधपुर में दूसरा दिन है और हम पहुंचे हैं आज हम पहुंचे हैं उम्मीद भवन। तो यार ये तीन पार्ट में डिवाइड है, एक तो इनका जो राजा है उसमें वो रहते हैं, दूसरे म्यूजियम बना हुआ और तीसरा जो पार्ट है वो होटल बना हुआ है। तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको। तो काउंटर टिकट काउंटर है, यहाँ से मैं बताता हूँ कि कितने की टिकट है। देखो सबको, आज दूसरे दिन भी थके नहीं है क्योंकि कल तो हम गए थे माचिया और लेक में भी। और देखिए हमारे जो ग्रुप की मेन मैनेजर हैं वो आ चुके हैं। टिकट कितना था यहाँ पे? 60 रुपीज़ ईच। ओके, तो भाई 60 रुपये की टिकट है। हाँ, तो दूसरी बात ये है कि अब आप लोग ना थकना नहीं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ बहुत अच्छी उम्मीद भवन पैलेस है, म्यूजियम है, उसका चार्ज है 60 रुपीज़, कॉर्नर के 200 अगर आप गाइड लेते हो। तो रेट्स हैं 253। इस पैलेस को बनने में टोटल 15 साल लगे थे। उससे मुझे इस पैलेस की जो लागत आई थी वो 94,51,565। सेकेंड अपन चल रहे जो म्यूजियम कर देगी वो फ्लैग लगा वो होटल पार्ट। अब आप लोग देख रहे हैं पूरा पैलेस, इस पैलेस को फाइनली हम पहुंच चुके हैं हम अपनी टीम के साथ। आज हमारा दूसरा दिन है जैसा बताया था उम्मीद भवन। हमने टिकट ली 60 रुपये की। बस यहाँ 60 रुपये में आप क्या घूम सकते हैं, सिर्फ म्यूजियम घूम सकते हैं। और जैसा मैंने पहले ही बताया था कि ये तीन पार्ट में डिवाइड है, एक जहाँ पे राजा रहता है उसमें महल, दूसरा म्यूजियम और तीसरा होटल। आपको एक चीज़ बता देता हूँ यार, सबसे महंगा होटल है जिसकी बुकिंग 1,07,00,000 रुपये है पर डे। आप करें तो इसमें मिनिमम 50,000 से लेकर 7,00,000 रुपये। अगर इसमें आप शादी कराना चाहते हैं इस जगह उम्मीद भवन में तो मिनिमम 4 करोड़ रुपये। आपको दिखा रहा हूँ पीछे फ्लैग लगा हुआ है, इस फ्लैग जो लगा हुआ है जिसका मतलब है राजा यहाँ पे अभी है। और अंदर वीडियोस अलाउड नहीं है, प्रोटोकॉल नहीं है। तो मेरी कोशिश है कि मैंने आपको यहाँ से ही दिखाया और इन्फॉर्मेशन दी आपको, जैसे कि भाई फ्लैग लगा हुआ तो राजा अंदर है और बाकी की चीज़ें गाइड ने बताई। तो चलिए अंदर। ऐसी लेडी हैं जिन्होंने उम्मीद भवन में पहली बार आइसक्रीम खाई है और ये देखेंगे सिर्फ, और ये 4 साल गज सिंह 4 साल में राजा बना दिया गया। क्या नाम है इनका? गज सिंह जी। ये महाराजा उमेश सिंह के ब्रदर अजीत सिंह जो आप एक अजीत भवन होटल है वो इन्हीं के नाम से बना रहे हैं। महाराजा उमेश सिंह जी अपनी वाइफ के साथ, महाराजा उमेश सिंह जी के 4 सन 1 डॉटर, 4 लड़के और 1 लड़की, महाराजा उमेश सिंह जी। होटल होटल तो 3 पार्ट डिवाइडेड पैलेस। आगे जाके लगा अपन इसमें अभी, हाँ अपन ने यहाँ से एंट्री की है ना मैडम, थोड़ा सा यहाँ से अपन ने की एंट्री। ये वाला रेजिडेंस हो गया, ये म्यूजियम और ये होटल, तो 3 पार्ट डिवाइडेड पैलेस। इतना बड़ा ये 70% होटल है ताज हेनरी लेंचेस जो लंदन का था, तो पूरा नक्शा इसी आदमी बनाया। ये वही था ना जिसने राष्ट्रपति भवन वगैरह भी इसी पैलेस में थी प्रियंका चोपड़ा की शादी। तो ये वाला गार्डन, प्रियंका चोपड़ा की शादी इसी पैलेस में हुई थी। क्या खर्चा रहा होगा उसका? प्रियंका चोपड़ा की शादी इसी पैलेस में हुई थी, मिनिमम 40-50 करोड़ रुपये खर्च हुए थे होटल के अंदर। और ये विंटेज कार जो आपने टिकट लिया उसके सामने विंटेज कार है, इसी टिकट में आप लोग देख सकते हैं इटालियन के मार्बल से बनाएगा। 7 लाख एक नाइट का चार्ज जो 7 लाख है, 7 लाख का जो 60,000 से 7 लाख है ना, ये उसकी वॉशरूम का एक आपसे फोटो। चलो ओरिजिनल मैं आपको लेके चलता हूँ, आइए भी पेंटिंग देखेंगे। इन्होंने मना इनका नाम था स्टीफन लॉर्विन जो पोलैंड से आए थे। ये कौन है? स्टीफन लॉर्विन जो पोलैंड से आए थे। अपन पैलेस में जितनी पेंटिंग देखे, इन्होंने मना इनका नाम था स्टीफन लॉर्विन जो पोलैंड का आदमी था। ठीक है, इन्होंने पेंटिंग बनाई थी। और बताने वाला हूँ जो अयोध्या में जो राम मंदिर के लिए जो पत्थर गया ना वो जोधपुर से ही गया है, ऐसा मुझे गाइड ने बताया। तो जिसके ऊपर कोई कलर नहीं हो सकता वो सारी चीज़ें हैं। तो चलिए और आगे देखते हैं। ये महाराजा उमेश सिंह जो हंटिंग करके ले गए थे माउंट आबू से, ये आप दोनों लेपर्ड देखें, दोनों लेपर्ड की स्किन रियल है, रियल स्किन है इस लेपर्ड की, और सारा स्टिप कर रहे हैं, रियल स्किन है इस लेपर्ड की। माउंट आबू से
ट्रेन की जाए तो मेरी 19 हमारे राजा से 4 साल जगत सिंह की सिस्टर है, वो दोनों हैं भाई जी लाल साहिबा संदेश कुमार जी जो पढ़ाई उन्होंने की है वो ऑक्सफोर्ड से लंदन से की उन्होंने डिग्री ली है, तो आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है कि भाई राजा के लड़के राजा का लड़का और राजा की मदद पूरा फैमिली फोटो है दस सिंह राजा का राज परिवार का सामूहिक चित्र आप जानते हो राजाओं का शौक होता है, ये राजा जी उनकी लड़के हैं और ये उनकी फोटो टीम जोधपुर की फोटो टीम साहिब पर एक ऐसी चीज़ दिखा रहा हूँ अंदर, ये आपको आपको किस मेटल का नज़र आ रही है बिल्कुल चांदी का, जो बग्घियों पे लाइटिंग लगती थी वो सारी चीज़ें हैं, ध्यान से देखो आप। चलो आगे चलते हैं, यूनिक आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ मैं अभी आपको, जैसे कि हारमोनियम होती थी भाई ठीक है, सेम इसी तरीके से राजा ने कलेक्ट की हुई है। ये क्या है कि जैसे जैसे टाइम चलता था तो म्यूज़िक चलता था, काफ़ी अच्छा कलेक्शंस किया था उन्होंने। और ये भी वॉच है एक, देखेंगे आप तो, ये वीडियो मैं अपनी पहली बार आपको दिखा रहा हूँ कि भाई देखो किस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो उम्मीद भवन आपको म्यूजियम से देखेंगे, काफ़ी पुरानी घड़ियाँ। तो चलिए जोधपुर उम्मीद भवन जो राजा के 1946 के बाद यहाँ पर कोई भी मीटिंग नहीं हुई क्योंकि और ये पूरी पेंटिंग जो इसकी रोमन की पेंटिंग रोमन सारी ग्रीक बना रखी है। इसमें आपको एक यूनिक चीज़ देखने को मिलेगी कि जो वॉचेस है उसका कलेक्शंस आपको मिलेगा, क्योंकि राजा को इन चीज़ों का बहुत शौक था। ये मतलब किले का पहला ताला है, इंटीरियर में यूज हुआ होगा इसके, खुद से नहीं चल रहा पास है वैसे। और ये क्या है, और ये देखिए जो आपको आवाज़ आ रही है ना, ये क्या है, कोई भी गेस्ट आता है जैसे मैंने आपको बताया था 50,000 से लेकर 7 लाख रुपए का एक दिन का चार्ज है, तो अगर गेस्ट आते हैं तो उम्मीद भवन पैलेस में इस तरह से उनका बैंड के साथ स्वागत होता है। और देखेंगे आपको फ्लैग दिखा रहा हूँ ऊपर, अभी फ्लैग फहर रहा है, इसका मतलब राजा अंदर है। उम्मीद भवन का तीसरा पार्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ म्यूजियम, जिसके अंदर कार विंटेज कार है, देखेंगे आप पूरी अच्छी है, ऐसे लग रहा है कि जैसे कि मैंने इसकी दूरी के अंदर से वीडियो लेके आया हूँ।